बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर जो है ये बैरिया टोन प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। जैसे कि अगर आपने पहले मेरे चैनल पे वीडियोस देखी होंगी, मैंने बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ वन फेज़ टू की बनाई हुई है, बैरिया टोन लाहौर की बनाई है। आज मकसद है आपको दिखाना बैरिया टाउन लाहौर का जो प्रोजेक्ट है बैरिया ऑर्चर्ड और फेज़ फोर, इसके अंदर कीमतें बताऊँगा और इसका विजिट भी छोटा सा कराता हूँ। अगर आप लाहौर में प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, जाहिर बात है बैरिया टाउन एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये आप देख सकते हैं, एक मिनट में ये आप देख सकते हैं, ये सारा रायमन रोड है, ठीक है। ये बैरिया ऑर्चर्ड का गेट है अपोजिट, जो कि फेज़ वन और फेज़ टू का गेट नंबर इधर निकल रहा है और रायमंड रोड के ऊपर। ये रायमंड की तरफ जा रहा है, पीछे जो है जाएँ तो अड्डा प्लॉट की तरफ जा रहा है। ये आपका फेज़ फोर है मेन के ऊपर, यानी कि मेरा मुंह रायमंड की तरफ है तो लेफ्ट साइड पे आता है फेज़ फोर। चले जी, बैरिया टाउन का जो फेज़ फोर है, ये ऑर्चर्ड बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ फोर, ये बाकी जो ऑर्चर्ड है फेज़ वन फेज़ टू उससे ज़्यादा खूबसूरत इसलिए कि खुला डुला बना हुआ है। आप ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर कि ऑर्चर्ड मॉल देख सकते हैं, ये हमने इसमें काफ़ी माल बेचा हुआ है। इस ऑर्चर्ड माल में भी ये पूरे का पूरा बहुत बड़े बड़े यहाँ पे मॉल्स हैं। ये आप देखें बड़ी बड़ी पार्किंग है, ठीक है जी। एक मिनट, ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी भी है। और ये आप राइट पे साइड पे जो सारा कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये बैरी ऑर्चर्ड मॉल है। इसमें हमने काफ़ी अपने कस्टमर्स को चीज़ें दी हुई हैं, ये देखें। अच्छा, ये अब आप ये देखें, ये प्रॉपर बैरिया लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह बन रहे हैं। यह है बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ फोर, और इसके अंदर प्लॉट्स जो हैं वो ज़्यादातर पाँच मरला एक कनाल और दो कनाल के प्लॉट्स हैं, ठीक है। इसमें पाँच मरला बहुत लिमिटेड है, फिर दस मरला और कनाल के भी हैं इसमें प्लॉट्स। ये आप देख सकते हैं मेन बुलेवार्ड है, खूबसूरत मेन बुलेवार्डें बनी हुई हैं। लेफ्ट साइड पर बड़ा प्यारा जो है ना रिहायशी एरिया है, जिसमें काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, काफ़ी सारे घर बन रहे हैं। ये अभी आबादी की पोजिशन की तरफ स्लो स्लो बढ़ रहे हैं, स्लो हो जाए थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये आपकी मस्जिद है, इस मस्जिद के साथ ये पार्क है इस मस्जिद के सामने, ठीक है। और यहाँ पर पांच मरला के प्लॉट्स हैं, ठीक है, और बाकी एक कनाल के प्लॉट्स हैं, सारे पांच मरला और एक कनाल के लेफ्ट साइड पे प्लॉट्स हैं। आगे जाएं तो फिर दूर करके भी पांच मरला प्लॉट्स हैं और ज़्यादातर फिर इसमें आठ मरला। अच्छा, बजट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आगे जाके ब्लॉक जी थ्री की तरफ। तो बजट अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर पाँच मरला प्लॉट की जो कीमत है वो 45 लाख रुपए से 70 लाख रुपए है। ये जो मैंने अभी नज़दीक आपको चीज़ दिखाई, यहाँ पे महंगे हैं, आगे जाएंगे तो 45 लाख रुपए से 70 लाख रुपए का ब्रैकेट है पूरे बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ फोर में। और तकरीबन 1.5-1 लाख रुपए आप समझ लें टैक्स ट्रांसफ़र फीस बैरिया टाउन की अलग लगती है। इसके अलावा जो एक कनाल का रहायशी प्लॉट है वो 1.60 करोड़ रुपये से लेकर 2.25 करोड़ रुपये का है, और उसकी तकरीबन 2.25 लाख रुपये टैक्स ट्रांसफ़र फीस अलग है और कमीशन अलग है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत घर वगैरह भी यहाँ पे बने हुए हैं, और ये देखेंगे कंस्ट्रक्शन आपको काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह नज़र आ रही होगी ये सारी, ठीक है जी। तो इस किस्म के, अच्छा, फिर आठ जो 10 मरले का प्लॉट है वो 60 है, और वो 65 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ तक का प्लॉट है, तकरीबन 2.25 लाख रुपये उसकी टैक्स और ट्रांसफ़र फीस अलग है। तो वो कितने का है, 10 मरला 65 लाख से 1 करोड़ रुपये का। ये आज आपके लिए मैंने बनाई है कंप्लीट पोजीशन के भाईजान, आपका आपको कंप्लीटली वो करवाऊँ। लेफ्ट साइड में यहाँ से चले जाएं, लेफ्ट हो जाएं लेफ्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्डिंगें बन रही हैं। ये अच्छा, ये बहुत बड़ा स्कूल है जो कि इसका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है, ये स्कूल है। यहाँ पे जितनी बड़ी फैसिलिटी हैं वो सारी अवेलेबल है, बिजली पानी गैस। आप लैंडस्केपिंग देखें, रोड्स देखें, राइट साइड के ऊपर सारे का सारा एरिया कमर्शियल के अलावा रहायशी एरिया बहुत सारा रेडी है, ठीक है ना। तो ये है बैरिया टाउन लाहौर का प्रोजेक्ट बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ फोर। यही रोड आगे सीधा जाएँ तो आगे लेफ्ट साइड पर मिलती है बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ थ्री को भी मिलती है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 मरले के प्लॉट हैं, वो 60 लाख से 75 लाख रुपये का प्लॉट है। इस बैरिया टाउन के अंदर बिजली पानी गैस सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे भी हैं जिसके ऊपर बैंक लोन भी देता है प्रॉपर, और ये आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है लेफ्ट साइड पे घर खुर सारी चीज़ें अल्लाह का फजल है यहाँ पे बनी हुई है। तो ये एक ओवरऑल था आज बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ फोर। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ फोर में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लॉट खरीदना है, बेचना है, आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं तो वो तकरीबन 8 मरला कमर्शियल 3 करोड़ से 7 करोड़ रुपये का है, 5 मरला कमर्शियल 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये का कमर्शियल है, और इस कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कैश में हैं। इस तरह आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ वन फेज़ टू बैरिया लाहौर, और इस तरह हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में शॉप्स और अपार्टमेंट्स की भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद हैं। इस तरह बैरिया टाउन पिंडी में हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उमर हाइट्स, उमर रेजिडेंसीज, फिर मरी के अंदर जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। मजीद चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको इसी तरह वीडियोज़ मिलती रहेंगी। पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, खारियाँ, हम आपको बेहतरीन सर्विसेज और बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपको लोग को दे रहे हैं। आप सबके अहतमाद का शुक्रिया। थैंक यू वन स्टे ब्लेस्ड। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।